Good evening, everyone. I am already discussed class 8 national movement part 1 and now I am discussing part 2. I am Sudhanna Sen Gupta. Let's start the topic. So हम लोग जितने तक जैसे रावलाट एक्ट ये इतने तक हम लोग पढ़े थे, उसके बाद क्या आता है? फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, ये किसने बोले थे? तिलक ने. केसरी इज मराठा न्यूज़पेपर. उस टाइम का मराठा में जो न्यूज़पेपर सबसे फेमस न्यूज़पेपर था वो केसरी था. ये एडिटेड बाय तिलक एंड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसाइज ऑफ ब्रिटिश रूल्स. पार्टीशंस ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के थ्रू. बंगाल वॉज बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इन ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड ओडिशा. ट्राई टू ब्रिटिश इंटरेस्ट. तो ये जो डिविजन हुआ था बंगाल का, तो बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो डिविजन हुआ था वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के थ्रू ही, मतलब ब्रिटिश इंटरेस्ट था इसलिए डिविजन हुआ. तो उसके बाद जो आता है, हम लोग बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट के लिए. तो स्वदेशी मूवमेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से प्रोविंस थे? बांग्लादेश. उसके बाद था वंदे मातरम मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश. एनकरेज टू सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेजेस, ये सब के लिए प्रोत्साहित करना शुरू हो गया था. बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स. तो ब्रिटिश का जो इंस्टीट्यूशन था, गुड्स था, उन लोगों का जो ब्रिटिश जो सामान आते थे, कपड़े वगैरह रोजमर्रा के जीवन में जो यूज होता था, तो वो सब कुछ बॉयकॉट कर दिए थे. ऑल इंडियन मुस्लिम लीग इसमें फॉर्मेशन हुआ था. तो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग फॉर्मड इन ढाका 1906, सपोर्टेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो सीट्स ऑफ द काउंसिल्स ओवर द रिजर्व फॉर दिस मुस्लिम लीग फॉर मुस्लिम्स एंड द वांटेड सेपरेटेड इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स इन 1909. तो ये था ऑल इंडिया वर्सेस मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन था, जो हिस्ट्री था, ये क्वेश्चन में आ सकता. तो उसके बाद आता है कांग्रेस. कांग्रेस है 1907 में, मॉडरेट्स वेर अपोज टू द बॉयकॉट. जो मॉडरेट थे वो बॉयकॉट का अपोज किया था, जो बंगाल में जो बॉयकॉट हुआ था, मतलब बॉयकॉट मूवमेंट. दे फेल्ट दैट द इन्वॉल्व फोर्स, वो लोग मतलब चाहते थे कि फोर्स में इन्वॉल्व हो जाए. तो उसके बाद डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स एंड लखनऊ पैक्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस एंड मुस्लिम ज्वाइंटली साइन टुगेदर टू द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. तो लखनऊ पैक्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही क्वेश्चंस में आता है लखनऊ पैक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन गुड बाय.